हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा 28 जुलाई के करंट अफेयर्स के ऊपर। हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है उसके अंदर हम लोग 10 से 15 जो प्रतिदिन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है प्लस उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डेली करंट अफेयर की जो वीडियो होती है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली बेस्ड होती है द हिंदू, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के एनालिसिस के ऊपर। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, क्लैट और अदर एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 1013। इस वीडियो और मेरी जो अन्य दूसरी वीडियोज है उनका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल @bala_ji_education के ऊपर शेयर करता हूं, तो इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। चले लेते हैं आज की पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज के अंदर ये न्यूज है ऐप के ऊपर। एक ऐप लॉन्च करी गई है और ये ऐप लॉन्च करी गई है बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर द कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज श्री रामविलास पासवान के द्वारा। श्री रामविलास पासवान जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है फॉर द कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिस ऐप का नाम है BIS केयर। BIS केयर बेसिकली एक पेरेंटल ऐप है फॉर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है? बहुत बार आपने सुना होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ISI मार्क है या फिर ISC मार्क नहीं है। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ISI मार्क होता है वो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है, जिसे आप हॉल मार्क बोलते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ क्या आएगा, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर द कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, दैट इज श्री रामविलास पासवान के द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई, उस ऐप का नाम क्या है? दैट इज BIS केयर, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर। ओके, इसके अलावा इन्होंने ऐप के साथ साथ तीन वेब पोर्टल भी लॉन्च करे, और वो तीन वेब पोर्टल कौन से हैं? द स्टैंडर्डाइजेशन, द कन्फर्मिटी एंड द असेसमेंट एंड द ट्रेनिंग पोर्टल ऑफ EBIS फॉर द कंज्यूमर्स। तो इन्होंने एक ऐप प्लस तीन वेब पोर्टल लॉन्च करे रिलेटेड टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? इसके अलावा और बहुत सारी एप्स लॉन्च हुई जुलाई के मंथ में। मैं उसमें से आपको रिसेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्स हैं वो आपको मैं बता देता हूं। बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, पांच और ऐसी एक्स्ट्रा एप्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं। क्लियर? देखिए, बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिनका नाम है सोनू सूद। तो सोनू सूद ने हाल ही में अपनी एक पर्सनल ऐप लॉन्च करी है जिस ऐप का नाम है प्रवासी रोजगार। ये ऐप लॉन्च करी है इन्होंने, जो माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए। क्लियर? यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ये एक ऐप लॉन्च करी गई है बाय द सोनू सूद, नोन एज प्रवासी रोजगार। क्लियर? इसके अलावा एक और ऐप आपको याद रखनी है, दिस ऐप इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। दिस ऐप इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक ऐप लॉन्च करी है जिस ऐप का नाम है मौसम। ठीक है, एक ऐप लॉन्च करी है दैट इज कॉल्ड मौसम, और ये ऐप लॉन्च करी गई एक भारत का मौसम विभाग है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन मेटीरियोलॉजिकल
डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के फाउंडेशन डे पे, इस डिपार्टमेंट का फाउंडेशन डे था, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इस डिपार्टमेंट के फाउंडेशन डे पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मौसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडेशन डे पे एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम क्या है, मौसम। ये वेदर फॉरकास्टिंग, रेडार इमेजेस वगैरह इनके लिए हेल्प करेगी, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है। प्लस इसके अलावा एक और आपको ऐप याद रखनी है, दिस ऐप इज लॉन्च्ड बाय द वेस्ट बंगाल सीएम, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो इस समय सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई है, ममता बनर्जी के द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई है, और इस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन, सेल्फ स्कैन। अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेकर टेंशन चल रही थी, तो हमने बहुत सारी ऐप्स के ऊपर जो है बैन लगाया है, ठीक है, तो उस ऐप को बैन को लेकर बहुत सारी ऐसी डेली यूज वाली जो ऐप थी वो बंद हो गई। जैसे कि एक ऐप थी जिसका नाम था कैम स्कैनर, तो कैम स्कैनर एक चाइनीज ऐप थी जो बैन लगाने के बाद बंद हो गई। इसी के अल्टरनेटिव तौर पर वेस्ट बंगाल की सीएम ने एक ऐप लॉन्च करी है नोन एज द सेल्फ स्कैन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लस नेक्स्ट ऐप आपको कौन सी याद रखनी है, तो अभी तक हमने कौन कौन सी याद रखी, एक तो बिस्केयर मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है, वेस्ट बंगाल की सीएम ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च करी है, सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च करी है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडेशन डे पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दैट डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मौसम ऐप लॉन्च करी गई है, क्लियर। एक और ऐप, दो और ऐप आपको मैं बताता हूं जो आपके लिए जरूरी है। अच्छा एक चीज और, अभी अचानक से इतनी सारी ऐप जो है क्यों आ गई है इंडिया में, हाल ही में इंडिया ने चाइना की 59 ऐप के ऊपर बैन लगाया था, आपको पता होगा, लेकिन अब आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 47 चाइनीज ऐप के ऊपर भी बैन लग चुका है, और 47 चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लग चुका है, ठीक है। तो ये वाली जो 47 चाइनीज ऐप है, माना जा रहा है कि जो पहले 59 चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगाया था उनकी ये एक तरीके से क्लोन है, क्लोन समझते हो ना, एक तरीके से डुप्लीकेसी है, यानी कि अगर 59 चाइनीज ऐप पे बैन लग भी गया तो ये डुप्लीकेसी ऐप से इनका काम चल रहा था, तो 59 चाइनीज ऐप पे पहले बैन लगाया, 47 चाइनीज ऐप पे अब बैन लगाया, क्लियर। नेक्स्ट, हमारा एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स सरल भाषा में कहें आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, क्लियर। इसके द्वारा एक ऐप लॉन्च करी गई है, यह सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है, ऐप का नाम है पीएम स्वनिधि ऐप। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, पीएम स्वनिधि ऐप यानी कि ये एक ऐप है जो प्रधानमंत्री को बेस्ड करती है, प्रधानमंत्री को अर्गू करती है, ठीक है। पीएम स्वनिधि ऐप, स्वनिधि की फुल फॉर्म सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वनिधि, ये अपने आप में एक बड़ी ही यूनिक ऐप है। स्व यानी कि इसका मतलब है प्रधानमंत्री, स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो सड़कों में, अलग अलग सड़कों में खड़े होकर चीजों को बेचते हैं, सड़क विक्रेता बोलते हैं जिन्हें, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि एप्लीकेशन। ये ऐप हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं माइक्रो क्रेडिट, यानी कि जो छोटे लेवल के लोन है वो देने का काम करेगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में पीएम स्वनिधि ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो ये लॉन्च करी गई है प्यारे बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट कौन सी ऐप आप याद रखेंगे, देयर इज वन मोर ऐप कॉल्ड ई किसान धन है, ये ऐप लॉन्च करी गई है बाय द HDFC बैंक। ई किसान धन ऐप
ये ऐप लॉन्च करेगी है HDFC बैंक। लास्ट और जो मुझे लगता है कि आपके लिए याद रखनी जरूरी है, ऐप का नाम है एलिमेंट्स ऐप। एलिमेंट्स ऐप, एलिमेंट्स ऐप। अब इस ऐप में क्या खासियत है? नंबर वन, इस ऐप को हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये इंडिया की फर्स्ट सोशल मीडिया ऐप है, भारत की ऐसी पहली स्वनिर्मित सोशल मीडिया ऐप है जिसमें आप ऑडियो प्लस वीडियो प्लस चैट दोनों कर सकते हैं। भारत की फर्स्ट स्वनिर्मित ऑडियो वीडियो चैटिंग ऐप है ये एलिमेंट्स ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में भारत ने अपनी पहली सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसमें ऑडियो वीडियो प्लस कॉल की फैसिलिटी है, चैटिंग की फैसिलिटी है। ऐप का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऐप। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, रिवाइज करवा देता हूं। सोनू सूद के द्वारा ऐप लॉन्च करी गई है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रवासी रोजगार। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ऐप लॉन्च करी गई है मौसम, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फाउंडेशन डे पे लॉन्च करी गई। सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च करी गई है बाय द वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है PM स्वनिधि ऐप। ई किसान धन ऐप लॉन्च करी गई है बाय द HDFC बैंक। एलिमेंट्स ऐप लॉन्च करी गई है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, जो भारत की पहली सोशल मीडिया ऐप है ऑडियो वीडियो कॉल प्लस चैटिंग के लिए। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आता है ऐप के ऊपर, ये एक मैंने क्वेश्चन बनाया है ऐप के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड मौसम, किस मंत्रालय के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मौसम? तो ये लॉन्च करी गई है ऑप्शन बी, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा। क्लियर होगी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ऐप के ऊपर। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास, दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिस पोर्टल का नाम है रोजगार बाजार। वेब पोर्टल यानी कि एक तरीके की वेबसाइट होती है। क्लियर? दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड रोजगार बाजार। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में किस गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार बाजार नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। द रोजगार बाजार पोर्टल इज अ एफर्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट टू रिव्यू द लॉकडाउन हिट इकोनॉमी ऑफ द दिल्ली। इसमें क्या है, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के जो इकॉनमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। देखिए, एक हुआ दिल्ली, एक हुआ महाराष्ट्र और एक हुआ हमारे साउथ का तेलंगाना, ठीक है। इन तीन स्टेट्स पे COVID-19 का सबसे भयंकर असर पड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का लगभग 60% COVID-19 पेशेंट इन तीन स्टेट से आता है, जिसकी वजह से इनकी इकॉनमी पे भी इंपैक्ट पड़ा है। तो दिल्ली की इकॉनमी को फिर से पटरी पर लेके आने के लिए रोजगार बाजार नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिल्ली के CM है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल। इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, ओके। और गवर्नर हैं दिल्ली के अनिल बैजल। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, शायद ही आपको पता हो, आम आदमी पार्टी सबसे पहले किस देश में लॉन्च करी गई थी? आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी सबसे पहले किस कंट्री में लॉन्च करी गई थी? याद रहे वो इंडिया नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है, एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस पोर्टल का नाम है लीड, LEAD, लीड, जिसका एब्रीवेशन आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल
फॉर दिल्ली, मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में ई लर्निंग पोर्टल लीड किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज कॉल्ड दिल्ली गवर्नमेंट। और लीड की एब्रिविएशन क्या है, लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सिस मेड एक्सेसिबल फॉर द दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का एक नेबर कंट्री है दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश, जिसको आजाद करवाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान था। क्लियर, अगर मैप पे आप देखें तो मान लीजिए ये अगर पूरा हमारा भारत है तो यहां पर आपको कहीं बांग्लादेश मिलता है। ओके तो बांग्लादेश के अंदर एक टेम्पल है जो लगभग बांग्लादेश का ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है, बांग्लादेश का ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल माना गया है, और ये है लगभग 300 साल पुराना ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ हिंदू गॉडेस, हिंदू देवी है, हिंदू गॉडेस दैट इज कॉल्ड काली, हिंदू गॉडेस काली। तो भारत ने अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये आश्वासन दिलाया है कि वो बांग्लादेश के जो सबसे पुराने हिंदू टेम्पल है उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने में बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री के सबसे पुराने हिंदू टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया है, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश। अ इंडियन सपोर्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 300 ईयर ओल्ड काली टेम्पल इन विच नेशन, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश। क्लियर होगी बात। और अगर आपसे पूछे इस टेम्पल का नाम क्या है, श्री श्री जॉय काली मातर टेम्पल, श्री श्री जॉय काली मातर टेम्पल, ये बांग्लादेश का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। और अगर पूछे इंडिया की हाई कमिश्नर टू द बांग्लादेश कौन है, तो उनका नाम है रीवा गांगुली, रीवा गांगुली। आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, या फिर आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ये लोगों को हेपेटाइटिस बी के लिए अवेयर करने के लिए WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वैसे तो बहुत सारी और संस्थाएं भी है लेकिन स्पेशली WHO के द्वारा एक डे सेलिब्रेट किया जाता है नोन एज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और इसको एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है। इसकी थीम पूछते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया 28 जुलाई को, इसकी थीम क्या है, तो याद रहे इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। एक चीज और आपको याद रखनी है, हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये लगभग एट ऐसे कैंपेन चलाती है जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं, विच इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ कैंपेन अवेयरनेस। उन आठ में से एक है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अदर सेवन कौन से है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड मलेरिया डे और वर्ल्ड एड्स डे। क्लियर, ठीक है जी। तो आठ ऐसे पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए अवेयरनेस कैंपेन हैं जो WHO के द्वारा चलाए जाते हैं। क्लियर, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन सातों का डे लिख के बताइएगा कि वर्ल्ड एड्स डे जैसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, देखिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, इसका लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लास्ट टाइम ये 2016 में आई थी, अब ये 2020 में आई है। ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है कि कितना क्राइम हो रहा है किस कंट्री में वाइल्ड लाइफ को लेकर, यानी कि वन्य जीवन को लेकर, जैसे कि किसी जानवर की हंटिंग होना, ठीक है, किसी जानवर का शिकार होना, उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेच देना वगैरह वगैरह, इस तरीके की रिपोर्ट को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। क्लियर। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स, भारत जो है दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है
जहां पर इलीगल टाइगर्स की हंटिंग करके उनके बॉडी पार्ट्स को यानी कि शारीरिक अंगों को निकाला जाता है और उन्हें मेडिसिनल पर्पस के लिए आगे हाई कॉस्ट पे बेच दिया जाता है। क्लियर। हाईलाइट द रिपोर्ट सेज दैट इंडिया एंड थाईलैंड सोर्स 82% ऑफ इलीगल शिपमेंट ऑफ टाइगर बॉडी पार्ट्स, यानी कि इंडिया और थाईलैंड मिलकर लगभग 82% पूरे वर्ल्ड का जो टाइगर की बॉडी का इलीगल बाजार है वो इन दोनों के द्वारा चलाया जाता है। पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है, देखिए जो टाइगर है वो तो इंडिया और थाईलैंड के हैं, क्लियर, जहां से इलीगल बॉडी पार्ट निकाल के टाइगर का इंडिया और थाईलैंड से बेचा जाता है। लेकिन जो ये पर्सन क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं, ठीक है, वो किस नेशन के हैं वो भी बताया गया है। सबसे ज्यादा इस क्राइम के अंदर जिस नेशनलिटी के लोग लगे हुए हैं वो है चाइना, यानी कि लगभग जितने भी क्रिमिनल इस के अंदर पकड़े जाते हैं उसमें 29% क्रिमिनल की जो नेशनलिटी यानी कि नागरिकता होती है वो किसकी होती है, चाइना की, जिसमें इंडिया के 8% होते हैं, वियतनाम के 8% होते हैं। क्लियर। वियतनाम के 145 केसेस आए हैं, इंडोनेशिया के 8% होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर तीन क्वेश्चन निकले, पहला कि इंडिया और थाईलैंड जो है लगभग दुनिया का 82% टाइगर की बॉडीज का इलीगल जो है ट्रैफिकिंग होता है, और जो ये क्राइम करते हैं क्रिमिनल या फिर जिनके ट्रैफिकर्स बोलते हैं वो सबसे ज्यादा किस कंट्री के होते हैं, चाइना के होते हैं। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। 27 जुलाई को सीआरपीएफ रेजिंग डे मनाया गया, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। क्लियर। सीआरपीएफ डे, सीआरपीएफ वॉज रेज्ड ऑन 27 जुलाई 1939 अंडर द नेम ऑफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस अंडर द ब्रिटिश। देखिए सीआरपीएफ को 27 जुलाई 1939 में बना था जब इंडिया गुलाम था, इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, उस समय इनका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। लेकिन बाद में जब भारत आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने, प्लस वही भारत के पहले होम मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में इनका नाम सीआरपी से चेंज करके सीआरपीएफ कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और 27 जुलाई को हमने 82nd सीआरपीएफ रेजिंग डे मनाया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली किस पैरामिलिट्री की टुकड़ी ने अपना 82nd रेजिंग डे मनाया है, तो वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। या फिर क्वेश्चन क्या आएगा, सीआरपीएफ ने हाल ही में अपना कौन सा रेजिंग डे मनाया है, 82nd, और ये रेजिंग डे बनाया गया बाय द इनॉग्रेशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर जो इस समय है अमित शाह के द्वारा दिल्ली के अंदर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्ल्ड सिनेरियो समझना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्सुलेट है, चाइना का एक शहर है चेंगडू, वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्सुलेट है उसे क्लोज कर दिया गया है। पहले तो कॉन्सुलेट होता क्या है, अगर आप डेली वीडियो सुनते हैं तो मैंने समझाया था कि एक तरीके से ये किसी कंट्री का हेड ऑफिस हो सकता है या ऑफिस हो सकता है, ठीक है, जो किसी और कंट्री के अंदर खुला हुआ है, काइंड ऑफ एम्बेसी टाइप, ठीक है, प्रॉपर एम्बेसी नहीं होती, एम्बेसी टाइप एक ऑफिस होता है जहां से किसी खास तरीके की चीज के ऊपर काम कराया जाता है। क्लियर, उसे बोलते हैं कॉन्सुलेट। अब पहले चाइना का कॉन्सुलेट था यूएसए के हॉस्टन शहर के अंदर, तो यूएसए ने चाइना के जो कॉन्सुलेट था हॉस्टन शहर के अंदर उसको बंद करवाया। अब बदले में चाइना ने यूएसए का जो कॉन्सुलेट था अपने चिंगड़ू शहर के अंदर उसको बंद करवाया। क्लियर, फिर से सुनिए, पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना का जो कॉन्सुलेट था अपने यहां पर हस्टन शहर के अंदर उसे बंद करवाया, और बदले में रिप्लाई में चाइना ने
यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सुलेट बंद कर दिया, कहां पर, अपने शहर चिंगड़ू के अंदर। अब रीजन क्या है, यूएस और चाइना के बीच टेंशन बढ़ रही है ट्रेड वॉर को लेकर, ठीक है, व्यापार को लेकर। चाइना जो है वो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे, और अमेरिका अपनी जो पीक की पोजीशन है उसे नहीं खोना चाहता। अमेरिका इसके लिए इंडिया को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है ताकि वो कहीं ना कहीं इंडिया को कंट्रोल करके चाइना को रोक सके। क्लियर। अभी ये हालात और ज्यादा बिगड़ गए क्योंकि हाल ही में सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ये माना है कि भाई वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूएसए के अंदर जासूसी कर रही थी, किसके कहने पर, चाइना के कहने पर। तो इसके बाद तो अमेरिका और चाइना के रिलेशन बिल्कुल बिगड़ गए। द रिलेशन हैव डेटोरेटेड फर्दर रिसेंटली आफ्टर द गिल्टी प्ली ऑफ सिंगापुर नेशन हु एडमिटेड स्पाइंग इन द यूएस फॉर द चाइना। क्लियर। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने यह माना है कि वो चाइना के दबाव में या उनके कहने पर यूएसए के अंदर स्पाई यानी कि जासूसी करते थे, उसके बाद तो ये रिलेशन बिगड़ गए। और तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट का एक कॉन्सुलेट बंद किया गया है चाइना के किस शहर के अंदर, ये किया गया चेंगडू शहर के अंदर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया है हमारे अवार्ड से। कला नारायण स्वामी, कला नारायण स्वामी एक भारतीय मूल की नर्स है और ये नर्स है सिंगापुर के अंदर, ठीक है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया में COVID-19 का बड़ा जोर चल रहा है, तो ये फ्रंट लाइन वॉरियर है वहां पे, फ्रंट लाइन वॉरियर, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सिंगापुर के अंदर। भारतीय मूल की इस नर्स को, कला नारायण स्वामी को, वहां पर नर्स के लाइन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कॉल्ड प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय मूल के एक नर्स है, दैट इज कॉल्ड कला नारायण स्वामी, इन्हें सिंगापुर का नर्स की लाइन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, मेडिसिनल की लाइन में दिया जाने वाला, हेल्थ एंड सर्विस की लाइन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट अवार्ड। क्लियर। क्योंकि इन्होंने COVID-19 में बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा चार नर्सिस और भी हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया, त्याई क्यान, ठीक है, पैत्रिका यंग यूही, एलिसा चुआ फोंगसिन और चिन सौ। क्लियर। ये कुछ नर्सिस हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया। हमें सिर्फ याद रखना है कि हाल ही में सिंगापुर का प्रेसिडेंट अवार्ड भारतीय मूल की किस नर्स को मिला है, कला नारायण स्वामी को मिला है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत न्यूज में रहता है रफेल रफेल रफेल, तो फाइनली रफेल क्या फर्स्ट बैच, ठीक है, लगभग हमने जो फ्रांस है उससे 36 रफेल खरीदे हैं, तो उसमें से 5 रफेल फाइनली इंडिया पहुंचने वाले हैं 29 जुलाई को। 27 जुलाई को इन्होंने फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये 29 जुलाई को लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय करके इंडिया पहुंचने वाले हैं, और ये 29 जुलाई को पहुंचेंगे हरियाणा के अंबाला एयर स्टेशन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि हाल ही में भारत को कितने रफेल जेट मिले हैं, तो भाई ये मिले हैं 5, फर्स्ट बैच मिला है। क्लियर। ओके, बहुत जल्द 5 और मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड $1 million वॉर्थ मेडिकल असिस्टेंस टू विच अमंग द फॉलोइंग नेशन। देखिए, एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है, ओके। अब नॉर्थ कोरिया के अंदर COVID-19 का बहुत ज्यादा प्रभाव चल रहा है, बहुत मारामारी चल रही है यहां पर। तो WHO के कहने पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर, इंडिया ने लगभग $1 million यूएस डॉलर एक्सटेंड कर दिया है, $1 million एक्सटेंड कर दिया है इन टर्म ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, और ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा नॉर्थ कोरिया को। मतलब पहले भी नॉर्थ कोरिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर इंडिया जो था कुछ सपोर्ट दे रहा था, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पर $1 million की असिस्टेंस को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, मतलब और एड कर दिया गया $1 million वर्थ मेडिकल असिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इंडिया हैज एक्सटेंडेड $1 million वर्थ मेडिकल असिस्टेंस टू विच अमंग द फॉलोइंग नेशन, दैट इज कॉल्ड
नॉर्थ कोरिया, और किसकी रिक्वेस्ट पे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट पे। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत की ट्रेड से जुड़ा है। इंडिया ने फैसला लिया है कि वो अपना एक वेयर हाउस, वेयर हाउस क्या आता है, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं गोडाउन, जहां पर आप अपना माल स्टोर कर सकते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं उसे। इंडिया ने फैसला लिया है कि वो अपना एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाएगा वियतनाम के अंदर, और वहां पर स्टॉक करेगा किसको? इंडिया की कॉटन को। अब रीजन क्या है, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। इंडिया की कॉटन बहुत बढ़िया होती है। दो मुल्क ऐसे हैं, एक है बांग्लादेश और एक है वियतनाम। इन दोनों को ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर वहां पर ये अपनी कॉटन बेचते हैं, बांग्लादेश और वियतनाम अगर वहां पर ये अपनी कॉटन बेचते हैं, तो इनको ड्यूटी फ्री है, मतलब इनकी कॉटन सस्ती बिकेगी। नहीं तो अगर इंडिया अपनी कॉटन डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज में बेचता है, क्लियर, तो जैसे कि यूएसए हुआ, यूरोप हुआ, अगर उन कंट्रीज में बेचता है तो उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे भारत की कॉटन जो है थोड़ी सी वहां पर कॉस्टली हो जाती है, तो वहां पर बिकेगी कम। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग अपना जो व्यापार है कॉटन का, वो बांग्लादेश और वियतनाम के थ्रू करेंगे। अगर बांग्लादेश और वियतनाम के थ्रू करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, चार्ज लगता है, वो नहीं लगेगा, तो हमारी जो कॉटन है वो उतनी ही रहेगी जितनी एक्चुअल में है, सस्ती रहेगी, और वो यूरोपियन और यूएसए के मार्केट में अच्छे से बिक पाएगी। क्लियर होगी बात? ओके, इसके लिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी एक एमओयू किया है, जिसके तहत भारत अपना 1.5 मिलियन टन का जो एक्सपोर्ट था, उसको बढ़ाकर 2 मिलियन टन का करेगा। इसके साथ बांग्लादेश के साथ। क्लियर होगी बात? ओके है, नेक्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा।